हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और टैली के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग देखेंगे पेरोल के बारे में। दोस्तों, पेरोल क्या होता है? ये एम्प्लॉय की सैलरी मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि पेरोल कैसे मेंटेन करते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों टैली पे। दोस्तों, ये टैली का सॉफ्टवेयर हमारा खुला हुआ है और नई कंपनी क्रिएट कर लिया है मैंने। और आइए देखते हैं कि इसमें पेरोल फीचर कैसे एक्टिवेट करेंगे। पेरोल फीचर एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। दोस्तों, अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद ये नीचे लास्ट से ऑप्शन आता है आपका यूज पेरोल, यस करेंगे। और मेंटेन कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करेंगे। इसके बाद कंट्रोल से सेव कर देंगे, इसको वापस आ जाएंगे। पेरोल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वर्क यूनिट क्रिएट करेंगे। पहले हम मिनट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम HR क्रिएट करेंगे और एक कंपाउंड यूनिट एंट्री हम क्रिएट कर देंगे दोस्तों, HR ऑफ 60 मिनट। इसके बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे अटेंडेंस बना लेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट अटेंडेंस लिव विद पे होता है, एब्सेंट लिव विदाउट पे होता है, ओवर टाइम ओवर टाइम जो है प्रोडक्शन बेस पे होता है। यहाँ पे HR ऑफ 60 मिनट्स ले लेंगे। फिर बाहर आएंगे, एम्प्लॉय कैटेगरी पे जाएंगे और एम्प्लॉय की एक कैटेगरी बना देंगे। अगेन वापस आएंगे, एम्प्लॉय ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप बना देंगे, कैटेगरी में एम्प्लॉय रहेगा। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया और प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। अगेन बाहर आएंगे, एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, मिस्टर यहाँ से सॉरी बैक जाएंगे, एम्प्लॉय ले लेंगे, मिस्टर रमेश कुमार अंडर इनका सेल्स डिपार्टमेंट होगा। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे डाल दिया, कुछ डेजिग्नेशन MD मैनेजिंग डायरेक्टर, जेंडर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ये सारी डिटेल्स जैसे है उसी के अकॉर्डिंग भर देंगे। नेक्स्ट बनाएंगे एम्प्लॉय, मिस्टर RP सिंह सेल्स डिपार्टमेंट में ले लिया। एम्प्लॉय नंबर ये डिटेल्स एज इट इज भर देंगे। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डेजिग्नेशन दे देंगे,
सेल्स मैनेजर बाहर आएंगे, हमारे पास दो एम्प्लॉय हो गए, रमेश कुमार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आरपी सिंह सेल्स डिपार्टमेंट है। बाहर आएंगे, सॉरी, पेरोल इन्फॉर्मेशन में इसके बाद पे हेड क्रिएशन पे जाएंगे, पे हेड बना लेंगे बेसिक। बेसिक जो होता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है, ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग्स होती है और ये फिक्स रहेगा। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यहाँ पे आपका ऑन अटेंडेंस रहेगा, अटेंडेंस लीव विथ पे परसेंट्स, कैलकुलेशन पीरियड मंथ वाइज होगा और बेसिक ऑफ कैलकुलेशन ये होगा एज पर कैलेंडर पीरियड, नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग मेथड को करते हुए एंटर करके सेव कर देंगे। डीए ले लिया, डीए डियरनेस अलाउंस होता है आपका, एंटर, ये भी अर्निंग होता है एम्प्लॉय के लिए और ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा? बिकॉज डीए जो होता है ये फिक्स नहीं रहता है कि किसको कितना दिया जाए, ये एम्प्लॉय बेस्ड सैलरी बेस्ड होता है, जितनी सैलरी रहेगी उसके अकॉर्डिंग डीए प्रोवाइड किया जाता है। वेरिएबल ले लेंगे, ये भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे हो जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपका ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला हो जाएगा, पे हेड ऐड कर देंगे बेसिक, बेसिक पे हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पे 5000 की सैलरी तक हम 5% देंगे, 5 से 10 हज़ार तक की सैलरी तक हम 10% देंगे और 10 से ऊपर 15% देंगे। टीए ट्रेवलिंग अलाउंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होगा, वेरिएबल होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक को ऐड कर लेंगे अप टू 5000, 2%, 5000 से 10000 के बीच में 5% और 10000 से ऊपर 8%। HRA हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, वेरिएबल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के लिए, एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी ऐड किया और यहाँ से अगेन 5000 तक हम देंगे 3%, 5 to 10,000 तक, 5 to 12,000 ले लेते हैं यहाँ पे, 12,000 तक हम देंगे 5% और 12,000 से ऊपर हम देंगे 7%। इसके बाद हम ले लेंगे पीएफ, प्रोविडेंट फंड होता है, ये डिडक्शन होता है एम्प्लॉय के लिए, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन होगा ये। यहाँ पे ये कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी है, बाद में रिटायरमेंट पे दिया जाता है। पीएफ, पीएफ दोस्तों प्रोविडेंट फंड होता है जो एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता रहता है और लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे कंपनी उनको रीपे करती है, इसलिए ये करंट लायबिलिटी में होगा कंपनी के लिए। और यहाँ पे ये भी आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा और दोस्तों ये होगा आपका ऑन करेंट अर्निंग टोटल, उसके टोटल से डिडक्ट होता है
इसका स्लैब मैं बना देता हूँ। ₹20,000 पे 5%, 20 से 25,000 7% और ग्रेटर देन 25,000 10%। इसके बाद दोस्तों आईटी होता है, इनकम टैक्स। ये भी एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन होता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। और करेंट असेट्स होता है, सॉरी करेंट लाइबिलिटी, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है ये भी, एज कंप्यूटेड वैल्यू। और डिडक्शन कंप्यूट ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेस, सॉरी ये भी आपका ऑन करेंट अर्निंग टोटल पे होगा। अमाउंट अप टू 20,000 2% और 20 से 25,000 5%, 25,000 से अबो 7%। ये हो गया, पे हेड्स बन गए हमारे। बाहर आएंगे, सैलरी डिटेल क्रिएट करेंगे, डिफाइन मिस्टर रमेश कुमार की सैलरी डिटेल बनाते हैं, एंटर। एक चीज़ सैलरी डिटेल क्रिएट करते समय ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डेट कौन सी क्रिएट हो रही है। जिस डेट को सैलरी डिटेल क्रिएट करेंगे उसी मंथ में आपका डिटेल एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2008 दिखा रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 1/4/2017। पेहेड बेसिक सैलरी ले लिया, बेसिक सैलरी इनकी है मान लीजिए ₹25,000। डीए टीए एचआरए, इसके बाद से इनकम टैक्स और पीएफ ले लेंगे, एंटर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेसिक सैलरी यहाँ पे 25,000 है ऑन अटेंडेंस पे। डीए टीए एचआरए ये बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट हो रहा है, जबकि आईटी और पीएफ जो है ये ऑन करेंट अर्निंग टोटल पे कैलकुलेट हो रहा है, एंटर करेंगे। ये आपका हो गया। ये होने के बाद बाहर आ जाएंगे, इधर पेरोल इंफॉर्मेशन में सारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे अकाउंट इंफॉर्मेशन में, वाउचर टाइप पे जाएंगे और यहाँ से अल्टर कर लेंगे पेरोल को। अल्टर करने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे। ध्यान देना है ये अलाउ नरेशन इन वाउचर यस होना चाहिए, एंटर। और यहाँ पे होगा स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी एंटर किया। एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स इंड ऑफ लिस्ट, इंक्लूड दीज ग्रुप्स इंड ऑफ लिस्ट। और लेजर टू यूज, यहाँ पे लेजर हमें क्रिएट करना होगा, अल्टर सी कर देंगे। सेकेंडरी लेजर क्रिएशन होता है, यहाँ पे हम बना लेंगे सैलरी पेबल। दोस्तों सैलरी पेबल है, सैलरी पेबल ये करंट लाइबिलिटी में जाएगा क्योंकि सैलरी हमें पे करनी होती है। और यूज फॉर पेरोल यस होगा, एंटर। ये बन गया, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ये सब हो गया। बाहर आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, सॉरी पेरोल वाउचर पे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पहले हम लोग अटेंडेंस मेंटेन कर लेंगे, मिस्टर रमेश की अटेंडेंस कितनी है
उसके लिए हम यहाँ से कंट्रोल F5 बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल F5। और दोस्तों यहाँ पे देखिए डेट जो है ये यहाँ पे 31 मार्च 2009 दिखा रहा है, तो यहाँ पे डेट हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2 होती है, F2 प्रेस किया मैंने, यहाँ पे 1/4/2017 यही डेट दी थी वहाँ पे। डेट करना भी तो करंट पीरियड दोस्तों, करंट पीरियड भी सेट करना होगा, इसके लिए ऑल प्लस F2 शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे 1/4/2017 31/3/2018 ये हमारा करंट पीरियड होता है। अब दोस्तों F2 प्रेस करेंगे, डेट चेंज कर देंगे, 1/4/2017 ये एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे दोस्तों हम ले लेंगे मिस्टर रमेश कुमार की डिटेल हमें बनानी है, और इनका प्रेजेंट ले लेंगे, मान लीजिए 28 डेज है इनका, 27 डेज है, इन्होंने 3 दिन छुट्टी की हुई है। और फिर से मिस्टर रमेश कुमार हम ले लेंगे, इनका एब्सेंट ये 3 डेज है इनका, 3 दिन एब्सेंट किया इन्होंने, अगेन मिस्टर रमेश कुमार ले लेंगे। ओवर टाइम इन्होंने किया है 10 घंटे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर सेव हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F4, ये हमारा पेरोल वाउचर का होता है, कंट्रोल F4। यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टाफ सैलरी, यहाँ से चूज कर लेंगे, एंटर, और ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑटो फिल। तो दोस्तों ऑटो फिल के लिए आपका होता है यहाँ पे आए और ऑल्ट ए होता है ऑटो फिल के लिए, ऑल्टर ए, ये दोस्तों ऑटो फिल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्लास में स्टाफ सैलरी है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ से आपको लेना है नीचे सैलरी, डेट है 1/4/2017 से 30/4/2017 दोस्तों, ये 1 महीने का पूरा पीरियड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है, और एजुकेशनल वर्जन में 1 और 2 तारीख एक्सेप्ट होती है, 3 तारीख से आगे डेट आपकी नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे 1/5/2017 कर देना है, 1/5/2017 पूरे 1 महीने 1 दिन का पीरियड हो गया, एंटर करेंगे। और यहाँ पे हमें ले लेना है एम्प्लॉय कैटेगरी में एम्प्लॉय, और यहाँ से एम्प्लॉय ग्रुप ऑल आइटम्स ले लेंगे, सबके लिए हमें सैलरी क्रिएट कर देनी है, और शॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम, एंटर। तो दोस्तों ये देखिए हमारा, इनकी सैलरी 25,000 थी, जिसमें से ये बेसिक इनकी, इन्होंने 3 दिन एब्सेंट किया था तो इनकी जो बेसिक बनी है ये 22,500 रुपये बनी है, और इसमें फिर इनका डीए कैलकुलेट हुआ है, टीए कैलकुलेट हुआ है, एचआरए कैलकुलेट हुआ है, इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है अर्निंग टोटल से, पीएफ डिडक्ट हुआ है, देन इनकी जो फाइनल सैलरी बन रही है ये यहाँ पे 24,277.50 रुपये इनकी फाइनल सैलरी बन रही है, ये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये आपका सैलरी डिटेल क्रिएट हो गया। इसके बाद हम बाहर आएंगे, थोड़ा सा इसका रिपोर्ट चेक करेंगे, बैलेंस शीट पे जाइए दोस्तों, बैलेंस शीट पे गए, डिटेल करेंगे ऑल्ट F1 से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटी में इनकम टैक्स और पीएफ, ये लायबिलिटी हमारी जनरेट हो गई है, जो हमें ये इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, और ये हमें बाद में एम्प्लॉय को पे करना है, और सैलरी पेबल इतना अमाउंट हमारा जनरेट हो गया है, ये हमको उनको पे करना है। दोस्तों बाहर आएंगे, अब हम देखेंगे इसका पे स्लिप कैसे जनरेट होता है, जैसे एम्प्लॉय को पेमेंट देनी है तो पेमेंट स्लिप भी साथ में देनी पड़ती है। डिस्प्ले में गए, यहाँ से टेबुक में जाएंगे, सॉरी डिस्प्ले में जाने के बाद पेरोल रिपोर्ट पे जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट पे गए और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ पेरोल एंटर करेंगे, और पे स्लिप लिखा हुआ है
एंटर करिए दोस्तों। सिंगल पे स्लिप या मल्टी पे स्लिप जैसा हमें बनाना है, सिंगल पे स्लिप देखेंगे फिलहाल, क्योंकि हमने एक आदमी की सैलरी बनाई है। एंटर मिस्टर रमेश कुमार, एंटर। दोस्तों ये देखिए इनकी पे स्लिप जनरेट हो गई। ये पूरा इनका एम्प्लॉय नंबर है, नेम है यहाँ पे, और पे स्लिप फॉर मई 2017 दिया हुआ है पूरा यहाँ पे, और नेट अमाउंट इनका ये रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों बने रहिए विष्णु प्रताप सिंह के साथ हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में। आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और चैनल को सर्च करना है सी लैंग्वेज बाय विष्णु सर लिखेंगे आप लोग तो चैनल हमारा सर्च हो जाएगा। थैंक यू।